मॉर्निंग बच्चों, आर टुडेज टॉपिक इज चैप्टर टू ऑफ योर इंग्लिश कोर्स बुक. ओके, सो लेट्स रीड एंड अंडरस्टैंड. इट वॉज द मंथ ऑफ अप्रैल, स्प्रिंग टाइम इन फ्रांस एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट. ये कौन सा महीना था? ये अप्रैल का महीना था. वॉट इज द मीन ऑफ स्प्रिंग? वेन द फ्लावर ग्रूम्स, जब बसंत का मौसम आता है, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग. टाइम इन फ्रांस एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट, जो कि फ्रांस घूमने के लिए सबसे अच्छा समय था. आई वॉज गोइंग टू विजिट माई कजिन सुप्रिया, मैं अपनी कजिन सुप्रिया से मिलने जा रही थी. ओके, या जा रहा था. आई लेफ्ट मुंबई एट 4 AM एंड अराइव्ड इन फ्रांस बाई 7 AM. लेफ्ट मीन्स वहाँ से जाना या उसको छोड़ना, डिपार्चर. एंड अराइव, पहुँचना. मैंने सुबह 4 बजे मुंबई से लेफ्ट किया या वहाँ से मैं निकला. देन फ्रांस में पहुँचा 7 बजे, फ्रेंच टाइम के हिसाब से 7 o'clock. आई लैंडेड एट द चार्ल्स डिगोले एयरपोर्ट जस्ट आउटसाइड पेरिस. पेरिस के ठीक बाहर की ओर एक एयरपोर्ट है, दैट इज़ कॉल्ड चार्ल्स डिगोले एयरपोर्ट. हमने लैंड किया. सुप्रिया वॉज देयर टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए सुप्रिया वहाँ थी. वी गॉट इन टू अ टैक्सी, हम एक टैक्सी में बैठे एंड हेडेड टूवर्ड्स पेरिस. हेडेड मीन्स चलना या निकलना, टूवर्ड्स मीन्स की तरफ. तो हम एक टैक्सी में बैठे और हम पेरिस की तरफ निकले. एज वी लेफ्ट द एयरपोर्ट आई नोटिस्ड देयर वॉज नॉट एज मच ट्रैफिक एज इन मुंबई. जैसे ही हम एयरपोर्ट से निकले, आई नोटिस्ड, मैंने ऐसा ध्यान दिया, देयर वॉज नॉट एज मच ट्रैफिक एज इन मुंबई, वहाँ पर मुंबई के जैसी भीड़ भाड़ वाला ट्रैफिक नहीं था. आई आस्क्ड सुप्रिया अबाउट फ्रेंच, मैंने सुप्रिया से फ्रेंच के बारे में पूछना शुरू किया या पूछा. इट्स अबाउट 1/4 द साइज ऑफ इंडिया, ये लगभग इंडिया का 1/4 साइज होगा. विद अ टाइनी पॉपुलेशन, टाइनी मीन्स स्मॉल, पॉपुलेशन वहाँ के लोग बहुत ही छोटी सी जनसंख्या के साथ. सी सेड, उसने बोला कि ये इंडिया का 1/4 पार्ट ही होगा और बहुत छोटी सी जनसंख्या है यहाँ पर. दैट मीन्स फ्रांस इज नॉट क्राउडेड, क्राउडेड मीन्स फिल्ड विथ पीपल, लोगों से भरा हुआ. इसका मतलब फ्रांस जो है वो क्राउडेड नहीं है, बहुत सारे लोगों से भरा हुआ नहीं है. देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम फॉर एवरी वन, प्लेंटी मीन्स सफिशियंट, यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त जगह है. आई सेड जोकिंगली, मैंने मजाक में बोला कि इसका मतलब यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त जगह है. सम लार्ज सिटीज वेर देयर आर फैक्ट्रीज आर अ बिट क्राउडेड, थोड़ा ही कुछ बड़े शहर हैं जहाँ पर थोड़ा फैक्ट्री वगैरह है, वो ही थोड़ा ज़्यादा क्राउडेड है. बट द कंट्री हैज़ ऑलमोस्ट एवरी थिंग दैट पीपल नीड फॉर अ कम्फर्टेबल कंट्री, देश, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एवरीथिंग सारी चीज़ें, लगभग इस देश में सारी वो चीज़ें हैं जो लोगों के आराम और खुशी के लिए काफ़ी हैं. द सॉइल इज़ रिच एंड द सी बॉर्डर्स मच ऑफ फ्रांस, यहाँ पर बहुत पर्याप्त मात्रा में सॉइल है, मिट्टी है. द सी बॉर्डर्स मच ऑफ फ्रांस, और फ्रांस जो है वो लगभग किससे घिरा हुआ है? समुद्र के किनारे से. सो देयर आर प्लेंटी ऑफ गुड वेजिटेबल्स, अच्छी मिट्टी होने के कारण, समुद्र का पानी होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी अच्छी सब्जियाँ भी हैं, फ्रूट्स भी हैं. ग्रेन्स मीन्स अनाज, ग्रेन्स भी हैं, मीट भी है एंड फिश भी है. शिव रिप्लाइड, उसने आंसर दिया कि बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी है यहाँ पर और समुद्र का बॉर्डर है ज़्यादातर, इसलिए सारी वेजिटेबल्स मीन्स ऑल द क्रॉप्स आर वेरी गुड हियर. वॉट इज टी फार्मिंग, तो उसकी कज़िन ने बताया, सुप्रिया ने बताया कि फ्रांस में डेयरी फार्मिंग बहुत पॉपुलर है. बिकॉज वाई? फ्रेंच लव चीज़, जो फ्रेंच लोग होते हैं उन्हें क्या पसंद है? वो चीज़ को बहुत पसंद करते हैं.
इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर डाइट्स. वॉट इज़ द मीन ऑफ एसेंशियल? मीन ऑफ एसेंशियल इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत ज़रूरी. डाइट मीन्स उनके भोजन का, उनके भोजन में चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. यू विल ऑल्सो फाइंड वाइन यार्ड्स ऑन सनी हिल साइड. वॉट इज़ द मीन ऑफ वाइन यार्ड्स? जो अंगूरों से भरे बिल्कुल खेत बाग होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वाइन यार्ड्स. ऑन सनी हिल साइड, अच्छे छोटे छोटे हिल साइड में, मतलब पहाड़ियों के किनारे में चमकते हुए वाइन यार्ड्स होते हैं. लोडेड विद जूसी ग्रेप्स, जो रस भरे अंगूरों से भरे हुए होते हैं. मोस्ट आर हार्वेस्टेड एंड प्रेस्ड इनटू वाइन फॉर विच फ्रांस इज फेमस. और उनमें से ज़्यादातर जो ग्रेप्स के बाग होते हैं, वाइन यार्ड्स होते हैं, उन्हें उगाया जाता है और फिर उससे वाइन बनाई जाती है. वाइन द जूस ऑफ ग्रेप्स, ओके, वाइन बनाई जाती है जिसके लिए फ्रेंच बहुत फेमस है. फ्रेंच बहुत फेमस है. एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट फ्रेंच फैशन, और तुम्हें ऑलरेडी फ्रेंच फैशन के बारे में पता है. फ्रेंच लीड्स एंड द वर्ल्ड फॉलोज, सबसे आगे फैशन में फ्रेंच चलता है और पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है. शी लाफ्ड, उसने हंसते हुए बोला कि फैशन में तो फ्रेंच सबसे आगे चलता है और पूरी दुनिया उसके पीछे होती है. देन वी ड्रोव पास्ट द आईफिल टावर एंड आई नोटिस दैट इट लुक्ड मोर ब्यूटिफुल देन इट डिड ऑन पोस्ट कार्ड. फिर उसके बाद हमारी गाड़ी कहाँ से निकली? आईफिल टावर के पीछे से. और मैंने ये नोटिस किया कि ये इतना ज़्यादा सुंदर दिखता है जैसा कि पोस्ट कार्ड में है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखता है. द आईफिल टावर रिप्रेजेंट्स फ्रेंच लाइक द ताजमहल रिप्रेजेंट इंडिया. आईफिल टावर फ्रेंच को उसी तरह रिप्रेजेंट करता है जैसे कि इंडिया को ताजमहल. जैसे इंडिया की खूबसूरती ताजमहल से याद की जाती है, वैसे ही फ्रेंच की खूबसूरती आईफिल टावर से देखी जाती है. पेरिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल ओल्ड सिटी. पेरिस जो है वो बहुत खूबसूरत पुराना शहर है. आई लव द वाइट स्टोन बिल्डिंग्स दैट ग्लीम इन सन. और सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई जो बिल्डिंग्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है. जब वो सूरज ग्लीम इन द सन, मीन्स ग्लीम मीन्स शाइन, ब्राइट शाइनिंग, चमकदार होना, जो सूरज के रोशनी में बहुत चमकती हैं. पीपल हियर लव द आउटडोर्स, यहाँ के लोग बाहरी दुनिया, मीन्स अपने घर के बाहर के चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक पार्क्स एंड गार्डन्स. उन्हें पार्क में जाना, गार्डन्स में जाना बहुत पसंद होता है. सम पार्क्स हैव पॉन्ड्स वर चिल्ड्रन सॉइल टॉय, चिल्ड्रन सेल टॉय बोट्स. बहुत सारे कुछ पार्क में यहाँ पर पॉन्ड्स मीन्स तालाब, कुछ पार्क में यहाँ तालाब बने हुए हैं. सेल मीन्स तैराना, टॉय बोट्स खिलौने वाली जहाज, जहाँ पर बच्चे अपने खिलौने वाली नाव या जहाज को सेल करते हैं, तैराते हैं. ऐसे बहुत सारे पार्क्स में यहाँ तालाब बने हुए. यू विल फाइंड रोज ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स एवरीवेयर. यहाँ पर हर जगह आपको क्या मिलेगा? रोज मीन्स लाइन, लाइन ऑफ ट्रीज, पेड़ों की लाइंस मिलेंगी एंड फ्लावर्स, ठीक है. सम ट्रीज आर ट्रिम्ड सो दैट दे लुक लाइक ह्यूज ग्रीन लॉलीपॉप्स. ट्रिम्ड मीन्स किसी काट छांट करना या उसको सेटिंग करना. कुछ पेड़ों की तो ऐसे सेटिंग की गई है काट के जैसे कि वो बहुत बड़े ग्रीन कलर के चॉकलेट लॉलीपॉप्स हो. वेल इट सीम्स लाइक अ पीपल ऑफ पेरिस आर प्राउड ऑफ देयर सिटी. ऐसा लगता